हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं संतोष गहलोत स्वागत करती हूँ आपके अपने एस जी ब्लॉक्स एंड टेरिस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉक्स में। एक और नए ब्लॉक्स की शुरुआत कर दी है। टाइम 8:15 हो गए हैं। मैं अपना किचन का करके ना सब्जियाँ सब्जियाँ काट कर ना फिर कराया करूँ 15-20 मिनट, जैसे भी टाइम मिलता है ना। पहले टाइम में होता है तो पहले कर लेती हूँ, और बाद में होता है तो बाद में। तो सारा काम करके उधर से कपड़े भी लगे हुए हैं, कपड़े धोने लग रही हूँ। तो मैं चलो 15-20 मिनट मेरे पास हैं तो मैं थोड़ी मोटी कर लेती हूँ यहाँ बैठ कर। थोड़ी स्ट्रेचिंग ही हो जाए बस, वही बहुत होती है, ज़्यादा तो मैं करती भी नहीं। वो तो मैं डेली बताती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती अभी, करना ही मेरा पैर अभी अलाउड भी नहीं कर रहा ज़्यादा मोड़ने तोड़ने वाला। तो अपना कर लेती हूँ, स्ट्रेचिंग ही थोड़ी मैंने कर ली, और थोड़ा योगा, वैसे मेडिटेशन है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये कर ली, यही हुए हैं। अब संभालती हूँ अपने कपड़े ना, आज मौसम है साफ। कल तो सारा दिन यूं ही रहा था, बादल है बादल है, आज लग रहा है साफ रात, तो धूप निकली हुई है ना। कल ना बरसा ना, और सारा दिन घुटन ही रही थी और हवा तेज चला थी। अब पहले अपने कपड़े संभाल के आती हूँ और फिर किचन में घुसती हूँ, किचन को संभालती हूँ अपने। क्यों, 8:15 हो गए, कपड़े कपड़े निकाल लूंगी, उनको मशीन को साफ करूंगी, इतने 8 बजे जाने, फिर सब्जी बनाने लगूंगी, तो यूं ही टाइम हो जाता है। 9 तो बज ही जाते, सुखाती तो बाद में हूँ फिर। तो कम बैक टाइम हो रहा, 8:30 हो गए, सब्जी सौंप दी है, बना दी है, क्यों बीच में फिर कैमरा ऑन नहीं करा था ना, कैमरा ऑन करा बाहर के ना, दूध वाला जैसे आ गया, पूरी वाला भी गया है, तो बीच में चीज़ें चल रही थी, तो मैं कैमरा बाद में ही ऑन करती हूँ। तो सब्जी बना दी है, सौंप दी, बढ़ जाएगी ना, इतने साथ में रहता बनाती हूँ। तो जो टमाटर डालते हैं ना घर वाले, इतना अच्छा लाल कलर आता है, जो हम मार्केट वाले देते हैं उनका बिल्कुल नहीं इतना अच्छा रेड कलर आता है, जो घर वालों का आता है। मैं डालती हूँ एकदम यू लगा है, जैसे लाल मिर्ची ज्यादा हो गई, जिसमें लाल मिर्च हम डालते नहीं हरी यूज करा, इस तरह भर लेती हूँ डब्बी, ये पीस कर नरी भरी हुई है, हरी यूज होया कर, पर टमाटरों का कलर ये दिखने भी लग रहा है, लग ही बिल्कुल टमाटरों से ऐसे होता है घर वाला। सब्जी का कलर देख के ही अच्छा लगा है ना, वो आंखों को ना बाहर जाती है, अगर सब्जी आंखें ना बाहर जाए तो फिर अपने आप ही स्वाद लग जाए। बना दूं रास्ता, फिर कपड़े सुखाने जाऊंगी, फिर सुखा के आती हूँ कपड़े, बथुआ और पालक है थोड़ी ही। सब्जी भी मेरी बन गई है, एक बार अब कपड़े सुखाए आती हूँ, सब्जी भी तैयार होगी, इतना ना हो ही होगी, इतना टिफिन पैक कर दूंगी फटाफट से, एक बार जल्दी जल्दी सुखा के आती हूँ ना, तो फिर 1 घंटा फिर मैंने लालच हो जाओ कि इस बार किचन में साफ करके फिर कपड़े सुखा के आऊँ, फिर तो 10 बज जाते हैं। एक बार अभी सुखाए आती हूँ, 9:45 हुए हैं, करा सारी तैयारी करी हुई है, तो फटाफट हो जाएगा। सुबह सुबह का टमाटर का रिव्यू दे देती हूँ, टमाटर सही ग्रो कर रहे हैं अब, गर्मी वाले ये पहले लगा दिए थे, सर्दियाँ में तो मर से गए थे बेचारे, अब सही हो रहे हैं, हवा चल रही है उस तो बहुत तेज नहीं, अब गोभी गर्मी मानने लगी दिन में, आज ब्रोकली काटती हूँ और काटूँगी एक दो, क्यों फिर ये खंडने ही लग जाऊँ तो फिर खाने खुने के लायक नहीं रहती, आज एक दो निकालने की कोशिश करती हूँ इनमें, तो या निकालने की हो रही है ये रही। ये सुबह सुबह का व्यू है छत का, फूलों का। आज ये डिटॉक्स बनाया हुआ है अलग तरह से, जैसे मैं एंटीबायोटिक ज़्यादा खा रही हूँ, पहले पैर में दर्द था, फिर पेट में इन्फेक्शन होया, अब आजकल जाड़ में हो रहा है तो एंटीबायोटिक चलती है, तो ये बनाया हुआ है। पहले पुदीने वाला बनाती थी मैं, जो रात को बना कर रखते थे, ये सुबह ही बनाया है, 3 घंटे बना कर रख दो, इसको सारा दिन पी सकते हैं, पुदीने वाले का 2 बजे तक ही ख़त्म करना होता है, तो कई चीज़ें मिलाई हुई हैं इसमें, बीट रूट, नींबू, अदरक और हल्दी, काली मिर्च, तो कई चीज़ मिला के ना है ये, इसको लेडीज़ और जेंट्स कोई भी ले सकता है, उसको यूं था मैं ही लिया करती, एक आध बार बेटा ले लेता, पर इसको कोई भी ले सकता है डिटॉक्स करने के लिए अपनी बॉडी को ना। और अब तो बीट रूट चाय हुई भी है, काफ़ी चल रही हैं, तो मेरी तो चलो अपनी गार्डनिंग की है, यूज़ करनी होती है, तो मैं चलो बनाते हैं, बना कर देखते हैं, पर टेस्टी बनता है। एक दिन और पहले बनाया हुआ था, तो अब दूसरी बार ही मैंने बनाया है, उस दिन की वीडियो नहीं डाली थी, क्यों डाली तो थी, फिर वो क्लिप लंबी हो गई थी तो मैंने काट दी थी, आज मैं दिखा देती हूँ। फिर मैं अपना गार्डनिंग में लगी थी, गार्डनिंग में आज खाली करने लग रही हूँ, ट्रे जितनी भी थी सारी की खाली करके ना, और उनकी नुलाई करके ना,
थोड़ा और खाद मिला देंगे, वर्मी कंपोस्ट मिला कर ना फिर अपनी सब्जियों को बोने की है। तो कुछ कुछ खाली कर रहे हैं, बता भी रही थी मैं, जो भी चीज़ यूँ लगता है इसको निकाल दें तो वो निकाल रहे हैं। जब भी जगह मिलेगी ना कुछ बोने की ना, तो जगह मिलेगी नहीं ना। और कितने घरों बैग खरीदें, बस इन्हीं में ही कोशिश है कुछ ना कुछ बोने की। टाइम हो गया 1:15 रहा है, तो अपने काम लगे हुए हैं, काम चला ही है सब्जियाँ की, कौन सी तैयारी चल रही है। कई दिन से कई चीज़ें खाली करी हैं, खोद के छोड़ी हैं, निकाली हैं, और ये भी सीड्स ग्रो करने हैं। ये मैं एक गोल वाली गया है, एक दूसरी गया है, दूसरी का मैंने वैसे कर भी दिया था, पर एक और मैं ले आई दूसरी है, और वो क्या बोलते हैं पेठा, पेठे वाला छोटे गमला में इनमें ग्रो कर देंगे, इतने बेल बन जाएगी। 5-4 दिन में फिर यूँ खाली करते रहे हैं, जो यूँ लगे है ना काम, भाई ये इसकी ज़रूरत नहीं है। जो प्याज निकालने हैं वो निकाल लेते हैं और फिर अगला वो कर लेते हैं, यूँ ही खाली करके करने पड़ेंगे। बस कुछ इन बास्केट के जो स्टैंड बनवाए थे उन चक्रा में हुई इतना बेल ग्रो कर जाएंगी, तो उन स्टैंडा के एक बार पेंट होने के बाद वो रखे जाएंगे, फिर उनके ऊपर मैं उसको रख दूँगी। इतने बेल ग्रो अपनी करें, बेल वाली करें। यो काम रह गया अब मेरा छत का, कृषि डाल आई थी फिर निकालने को मन ही नहीं करा, मिट्टी के हाथ थे तो पसीने आ रहे हैं काफ़ी, कोई प्यास भी लगी हुई है। चला हमने नीचे चलते हैं एक बार इनको ग्रो करके फटाफट से, इनमें कुछ नहीं, बस कोको पीट और वर्मी कंपोस्ट में लाऊंगी और उसी में डाल दूंगी इन्हें। अरे भाई लंच बना दिया इनकी दादी पोते आई, बना दी रोटी, इनको बना के दे दी, अपने ले जाई हूँ खिचड़ी बना के ना, खिचड़ी दूध में डाल के लेके आई हूँ, अपना बैठ के ना आराम आराम से खानी है, गोल के ना मिला के ना लियाई हूँ, मिक्स करके ना अपनी यही चीज़ खा रही हूँ अब तो, और तो कुछ नहीं। हाँ सुबह चिल्ला ज़रूर खाया था, वो तो सॉफ्ट ही होता नरम होता, मैं ऐसी चीज़ें खा रही हूँ जो ज़्यादा नहीं चबाती। टाइम हो गया 3:30, इसका भाई का फोन आ रहा था, कई बार हो गए इंतज़ार कर रही थी, लेटी भी नहीं थी तो रेस्ट भी नहीं किया, मैं बैठी थी मैं चला जाएगा, या पौधे हैं जो मंगाया करूँ ऑनलाइन उसी से मंगवाया करूँ, अब इसकी क्लिप निकालनी पड़ेगी ऊपर जाकर ना, अरे क्लिप निकाल कर ना उसके पास भेजनी होती है किस कंडीशन में पौधे हैं और कैसे नहीं, ख़राब हों तो फिर वो भेज भी देता है दोबारा, ख़राब हो रहे हो तो वो इसीलिए कहता है अपनी क्लिप बना के वीडियो बना कर ना मेरे पास भेज दिया करो व्हाट्सएप पे, फिर उसके पास भेज देती हूँ 2-4 मिनट की जो भी बनेगी, 2-1 मिनट की भेजा करूँ तो वो बनानी है। तो मैं छत पर तो जाना ही है, जब अपनी माँ की भी चाय बना ले जाऊँ, तो उसकी चाय रखी हुई है साथ ही साथ, मैं उसकी चाय बना ले जाऊँगी, तो चलो ले कर चलते हैं, दिखाती हूँ बना कर ना फिर उसके पास भेज दूँगी। ये असल में ना परमानेंट वाले पौधे हैं छत पर, वैसे नहीं चलते छत पर ना दूसरे वाले पौधे, और वैसे भी कभी धूप हो रही है कभी ठंड हो रही है, तो मैंने सोचा मैं परमानेंट वाले ही सही रहेंगे, खिले हुए जो फूल खिले आ रहे हैं ना वो सही रहता है छत पे को ना, तो फूल वाले ही मंगवाए हैं फिर मैंने, अब पीछे भी मंगवाए थे मैं उसी से ही मंगवाती हूँ, पीछे भी मंगवाए थे और फिर मंगवाए हैं उसी से, 8-10 पौधे उसी तरह के हो जाए ना, फिर जिस तरह की अतोरी की बेल लगे तो पोलिनेशन में मक्खियाँ मक्खियाँ आती रहे, तो इसीलिए फिर मैं यही मंगवा लिए मैंने। और जो कलर इसके इनके फूलों के होते हैं वो यहाँ लोकल नर्सरी में नहीं होते, यहाँ 2-3 कलर होते हैं वो मेरे पास पहले से ही हैं, तो इसलिए मैं ये सोचूँ 10-15 पौधे बस यही हो जाए। तो चलो चाय डाल लूँ मैं माता की, फिर ऊपर चलते हैं और बनाते हैं अपनी क्लिप निकालना हर। चार ही बजने वाले हो गए, 4 बज गए, 3 मिनट रह रही हैं, अपना कर आई खोल आई क्लिप बना ले आई, अब डाल दूँगी नीचे से उसके पास व्हाट्सएप में नंबर पर। एक ही पौधे की कंडीशन ख़राब थी, उसकी मिट्टी जड़ी हुई थी और तो सारा कुछ ठीक था, और अपने अचार धूप में रखे थे, ये उठा के ले रही हूँ, एक शीशे की है, जो अगर थोड़ी सी भी हाथ से निकल गई ना सारी चटक दे ही हो जाएगी, तो अपनी चाय बना कर और पी लेती हूँ, इनको उठा कर रखूँ क्यों हिल नहीं रही, यहाँ खड़ी खड़ी ही बना रही हूँ मैं, और उस साथ में ब्लॉग की भी एंडिंग कर देती हूँ, चाय चूहे पीऊँगी रो रो, इतना अपना टाइम हो जाएगा, फिर बना के पी लूँ उठा कर रख दूँ अचार ने, बस बोचे खड़ी हूँ, अगर निकल रहे तो हो जाए बिल्कुल भी। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक राम राम।